विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन भरने की प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद बुधवार से आवेदनों की जांच पड़ताल का काम शुरू हुआ। इसके साथ ही शुरू हो गया उम्मीदवारों का एक दूसरे के एफिडेविट में दी जाने वाली जानकारी को लेकर सवाल उठाए जाने का क्रम भी। एफिडेविट में प्रतिद्वंदी उम्मीदवार दी गई जानकारी को लेकर उम्मीदवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव की रस्साकशी शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के नामांकन के बाद चुनाव का रोमांच बढ़ गया है। नामांकन के साथ उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति समेत अन्य जानकारियां एफिडेविट के माध्यम से जमा कराई है, जो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। चुनाव में असली लाडली भले ही मतदान के दिन हो, लेकिन हमले अभी से शुरू हो गया है। उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के एफिडेविट में दी गई जानकारी के आधार पर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। पूर्व नागपुर खोपड़े के खिलाफ चुनाव लड़ रही आभा पांडे लगातार हमलावर है। खोपड़े का एफिडेविट क्या सार्वजनिक हुआ? पांडे ने खोपड़े पर आरोप के नियमों की दलीलें देते हुए गलत तरीके से फॉर्म भरने की जानकारी दी और इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आभा पांडे ने खोपड़े के नामांकन को लेकर चुनाव अधिकारी के पास शिकायत भी की, लेकिन दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अधिकारी ने आभा को झटका देते हुए उनकी अपील को निरस्त कर दिया। आयोग से झटका मिलने के बाद भी आभा अड़ी हुई है। उन्होंने अधिकारी के निर्णय के विरोध में अदालत जाने की जानकारी दी है। पांडे की शिकायत पर कृष्णा खोपड़े वकीलों की फौज के साथ चुनाव अधिकारी के सामने पहुंचे। अधिकारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पांडे की आपत्ति के खारिज हो जाने के बाद खोपड़े भी हमलावर हो गए। उन्होंने उनका नामांकन चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार भरे जाने की बात कही और कहा कि आभा पांडे सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा कर रही है।